सबसे पहले जब मैं केपॉप को देखती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था केपॉप में, मुझे वो चीज़ करने के लिए बहुत इच्छा होती थी। तो मैंने जब जब कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड में मतलब कोविड के वजह से पेंडेमिक चल रहे थे और हर जगह स्टूडियोज भी बंद थे, और 2020 में डियर म्यूज़िक का ऑडिशन आया था, 2021 में, 21 में, तो मुझे उसमें अप्लाई करना था। इसके वजह से, पर कोविड के वजह से हर जगह स्टूडियो बंद थे और इसके वजह से मुझे छत के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो मैं छत के ऊपर डांस प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैंने डियर म्यूज़िक अपना ऑडिशन दिया। डियर म्यूज़िक के ऑडिशन देने पर पहले राउंड में मैं सिलेक्ट हो गई। पहले राउंड में सिलेक्ट होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे वोकल्स में बहुत इम्प्रूव करना है मेरे को। तो मैंने उसके लिए मेरी दादी ने मेरे को राउरकेला लेके गए, राउरकेला के टीचर से मिलाया। तो वो हिंदुस्तानी क्लासिकल टीचर थे, तो उनसे मुझे मिलाया और हिंदुस्तानी क्लासिकल मैंने सीखना स्टार्ट किया। और मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखने के लिए झारसुगुड़ा से राउरकेला हमेशा अप डाउन करती थी जस्ट टू लर्न म्यूज़िक। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड पार मुझे सेकेंड राउंड के लिए 2 वीक्स दिए गए थे। तो 2 वीक में आपको आपको एक गाना दिया गया था टू नाइट के सॉन्ग पर, और एक आपको गाना भी सेंड करना था टू नाइट के सॉन्ग पर। आपको डांस करके एक वीडियो शूट करके, फर्स्ट वर्स शूट करके आपको भेजना था, और सॉन्ग भी एक वन वर्स ऐसे शूट करके भेजना था। तो जब मैं फिर उसके बाद मैं सेकेंड राउंड पे सिलेक्ट हुई, और सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट होने के लिए मैंने बहुत कुछ फेस किया था। शूटिंग में भी प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम, कहीं पे शूटिंग करने के लिए जगह नहीं होते थे। तो मेरी दीदी ने भी मुझे उसके लिए बहुत हेल्प किया। मेरी दीदी मुझे जगह जगह लेके गई और हमने स्ट्रीट के ऊपर ऐसे शूट किया था। तो उसके बाद फिर जब मैं सेकेंड राउंड पार किया, तो मुझे विश्वास भी नहीं हो पाया कि हाँ, मैं अभी सच में ट्रेनिंग ले सकती हूँ और मैं एक ट्रेनी बन सकती हूँ, के पॉप आइडल ट्रेनी बन सकती हूँ। उसके बाद फिर थर्ड राउंड के लिए हम लोग को कोरिया जाना था। तो हम लोग को कोरिया जाने के लिए भी हमें बहुत दिक्कत आई बिकॉज़ ऑफ पेंडेमिक। बहुत डिफ़िकल्टीज हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड, देर वर नो फ्लाइट्स एट दैट टाइम, और बहुत डिफ़िकल्टीज था उस टाइम। बट मेरी कंपनी ने बहुत मदद किया, मेरी कंपनी ने उसको उसके उसके लिए रास्ता बनाया कैसे जाना है। उसके लिए बहुत कुछ उन्होंने प्लान किया और वो उन्होंने मुझे लेके आया। दिसंबर 13 को मेरा फ्लाइट था कोरिया के लिए। तो मैं अराइव की कोरिया में दिसंबर 14 को। उसके बाद फिर मैंने क्वारंटीन किया। उसके बाद फिर आफ्टर क्वारंटीन हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग हम लोग का 6 मंथ्स के लिए था। तो उसी हिसाब से हम लोग का प्रोसेस गया। हम लोग को दिन रात मेहनत करना था, हम लोग को लैंग्वेज लर्न करना था, हम लोग को सॉन्ग लर्न करना था, हमको डांस लर्न करना था, लाइव परफॉर्मेंस करनी थी, हम लोग के स्ट्रेंथ को बढ़ाना था, हमारे कोर स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करना था। तो ये सब चीज़ बहुत सारी थी। तो हम लोग को इतने कम टाइम में हम लोग को बहुत इम्प्रूव करना था। और इतना ही नहीं, हमें हर मंथ एक टेस्ट देना पड़ता था। हर मंथ हम लोग का टेस्ट होता था जहाँ सारे हमारे मैनेजर के साथ बैठ के हमें ऑडिशन देना पड़ता था। हमारे मैनेजर हम लोग को चेक करते थे, हमारे मैनेजर हम लोग को टेस्ट का मार्क्स देते थे, उसी हिसाब से प्रोसेस चलता था। उसके बाद 6 मंथ्स के लाइक जब 6 मंथ एंड होने के लिए आया, उस टाइम हम लोग का फाइनल ऑडिशन था और हम लोग का लास्ट राउंड था। तो बहुत बहुत नर्वस फील हुई थी उस टाइम कि कौन सिलेक्ट होगा कौन, और एक ही जगह थी। तो हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, वो ब्राज़ील की है, गाबी ब्राज़ील से है। तो हम दोनों की बॉन्ड भी बहुत अच्छी थी। तो हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। हम लोग सोचते थे कि काश हम दोनों एक साथ कंपटीशन में जीत सके, और ऐसे ही हम दोनों एक ही साथ कंपटीशन में आ सके तो क्लियर कर सके। तो वही चीज़ हमें, क्योंकि हम लोग एक अच्छे दोस्त भी हैं और हम लोग एक कंपटीटर के हिसाब से भी कंपटीशन करना है। तो उस टाइम भी बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, और मम्मी पापा से इतना दूर रह के हर चीज़ डिफरेंट भी था। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे ट्रेडिशनल डिफरेंट थे, हमारे कल्चर डिफरेंट थे, हम लोग के फूड्स डिफरेंट थे। तो उस टाइम भी बहुत मुश्किलें थी, बट हमारे कंपनी के हर एक सदस्य बहुत मुझे हेल्प किए, हर एक स्टाफ मेंबर मुझे बहुत हेल्प किए, मुझे ही नहीं गाबी को भी बहुत हेल्प किए जो दूसरी है जो सिलेक्ट हुई है।